जय हिंद। आज के वीडियो में हम देखेंगे इस मोटर का रनिंग वाइंडिंग डाटा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने कुल चार सेट बनाए हुए हैं रनिंग का, 1, 2, 3, 4 और चारों सेट दोस्तों, जिसमें कि हमने दो सेट ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं ताकि आप लोग समझ सकें। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये दो छोटी छोटी कॉइल है, घड़े हैं, ये दो छोटी छोटी सलाड है। ये दो छोटी सलाड छोड़ करके दोस्तों इसका जो सबसे फर्स्ट वाला यानी कि ये सबसे छोटा वाला जो कॉइल का लक्की होता है, ये छोटा वाला हुआ और ये उससे बड़ा हुआ और ये उससे बड़ा हुआ, यानी कि एक सेट में आपका 3 लक्की लगता है। तो 3 लक्की में दोस्तों सबसे छोटा लक्की जो होता है इसका 2 खाने छोड़ करके डाला जाता है, तो उसके बाजू में फिर उससे बड़ा और उसके बाद फिर ये लास्ट वाले तीसरा लक्की। तो इसी तरह क्रमबद्ध चलते रहता है दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि ये कुल 32 स्लॉट की मोटर है और इसकी स्टैंपिंग की लंबाई 4 इंची है। तो अब चलिए दोस्तों मैं इसका रनिंग वाइंडिंग डाटा बतलाऊंगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों ओनली हम आपको रनिंग डाटा देंगे, स्टार्टिंग डाटा इसके नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में देंगे। तो चलिए अब हम रनिंग का डाटा भी आप लोगों के सामने शेयर कर दे रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ये कुल 32 स्लॉट की मोटर है, इसमें आपको 2 छोटे खाने इधर से, 2 छोटे खाने इधर से, 2 छोटे खाने इधर से और 2 छोटे खाने इधर से, यानी कि 4 स्पेल में 4 छोटे 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 खाने आपको देखने को मिलेगा, बाद बाकी सभी बड़े खाना बनता है। और दोस्तों इसमें जो है दोस्तों सबसे छोटी वाली लच्छी और उसके साइड वाली लच्छी के ऊपर एक स्टार्टिंग का लच्छी चलता है। तो चलिए अब इसका हम आपको रनिंग का डाटा आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। तो रनिंग का डाटा आप लोग जरूर अच्छी तरह से देख लें। तो आप देखिए रनिंग में दोस्तों 1 साथ 3 वायर चला है, यानी कि रनिंग में 1 साथ आपको 3 वायर लेकर के चलना है और जा करके इसका लच्छी तैयार करना है। तो 1 साथ आपका 3 वायर रहेगा और दोस्तों ये कॉपर में वायर है। तो चलिए इसका हम वायर गेज भी बतलाएंगे और साथ में इसका टर्न्स वगैरह भी बतलाएंगे कि रनिंग में कितना टर्न्स लगता है प्रत्येक लच्छी में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें 2 आपका 20 नंबर वायर रहेगा और 1 वायर आपका 22 नंबर रहेगा, यानी कि तीनों वायर को 1 साथ मिला करके चलना है और इस तरह से आपको फर्मे पे इसका कॉइल तैयार करना है। तो चलिए अब इसका हम दोनों फर्मे के बीच की दूरी यानी कि इसके 2 खाने छोड़ करके जो कॉइल डलेगा तो इसका गोलाई में कितना दूरी होता है वह भी आपको हम बतला दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों फर्मे के बीच की दूरी आपको 5 इंच रखना है यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी। आप जब 5 इंच रखिएगा तो ऑटोमेटिक गोलाई में दोस्तों ये 10 इंची हो जाता है। तो इस तरह से आपका कॉइल का लच्छी परफेक्ट रूप से तैयार हो जाता है। तो जैसे कि आपको हमने अभी बताए हैं कि इसके 2 खाने छोड़ करके भरना है रनिंग का कॉइल, जब भी आप भरिएगा तो 2 खाँचे छोड़ करके भरिएगा ताकि ये बचा हुआ खाँचे में आपका स्टार्टिंग का सबसे लास्ट वाले जो लच्छी होगा, जो इकलौता लच्छी होगा वह चलेगा। तो अभी आपको मैं सिर्फ रनिंग का वाइंडिंग डाटा शेयर करूंगा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि 1 साथ इसमें 3 वायर चला है। तो हमने आपको वायर का गेज बतला चुके हैं, अब इसका टर्न्स बतला दे रहे हैं। ये सबसे छोटी वाली में आपको 11 बार देना है और उससे बड़ी वाली में आपको 21 बार देना है और उससे बड़ी वाली में आपको 29 बार देना है, यानी कि 30 में 1 राउंड कम आपको सबसे बड़े वाले में और उसके बाद 21 उससे बड़े वाले में और उसके बाद सबसे छोटे वाले में आपको 11 टर्न्स देना है, यानी कि सबसे छोटे वाले लच्छी में 11 टर्न्स और उससे बड़े वाले में 22 और उससे बड़े वाले में 29 टर्न देना है। तो आपका 11 या 33 इधर हो जाता है, 21 या 42 इधर हो जाता है और उसके बाद इधर आपका 87 टर्न्स हो जाता है। तो आप इस तरह से कॉइल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब हम इसमें जो है सो बाकी बचे
सभी रनिंग का वायर को डाल देंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाएंगे कि इसका स्टार्टिंग का डाटा पार्ट टू में मिलेगा और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए अभी आपने देखे कि रनिंग का डाटा नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग डाटा उसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यह मोटर 32 स्लॉट है और इसका स्टंपिंग का लंबाई 4 इंच। देखिए जी, इस मोटर को 4 पोल में वाइंडिंग किया गया है, इसे 4 पोल मोटर बोलते हैं। अगर 2 क्वाइल नीचे और 2 क्वाइल ऊपर लगेगा तो उसे 2 पोल मोटर बोलते हैं। तो ये अभी 4 पोल में वाइंडिंग किया गया है, इसे 4 पोल मोटर कहा जाएगा और ये 4 पोल का ही मोटर है। ये आपका क्रिप्टन कंपनी का मोटर है और जो कि इंडक्शन मोटर है। ये अभी आप देख रहे हैं कि रनिंग का कॉइल इसमें पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है, अब इसमें स्टार्टिंग का कॉइल जाएगा। तो अभी इसमें और कुछ काम बाकी है, वो भी हम बतला दे रहे हैं। अभी जैसे कि इसका आप रनिंग में देख रहे हैं कि इस घर में जो स्टार्टिंग का वायर चलेगा इसमें और इसमें, तो ये वाले पैकिंग निकाल करके इसमें ग्रीन शीट का पैकिंग लगा देंगे। बाद बाकी कनेक्शन हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। और इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग डाटा देखना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक डालेंगे वहां पे जा कर के आप इसका स्टार्टिंग का डाटा देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए। तो आप देख लीजिए, ये वही मोटर है जिसका हमने इंडक्शन मोटर जिसका हमने आपको रनिंग वाइंडिंग डाटा बतलाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बीच में 2 छोटी छोटी स्लॉट सभी में छोड़ा गया है, आप देख लीजिए ऊपर से भी, इधर से भी, इधर से भी। अगर आप लोग इसका स्टार्टिंग डाटा ज़रूर देखें क्योंकि आपको रनिंग डाटा से काम नहीं चलेगा, इसका स्टार्टिंग डाटा भी देखना पड़ेगा और फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में जो इसका कनेक्शन डायग्राम मिलेगा वह भी आप देख लीजिएगा।